नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कई बार ऐसी न्यूज़ सुनी होगी या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखे होंगे जहां पर बहू और बेटे ने मिल करके अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। और जब हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है और साथ में दुख भी होता है कि ऐसा कोई पर्सन अपने माँ बाप के साथ कैसे कर सकता है। और हम कई बार अपने दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाया जाना चाहिए। अभी रिसेंटली 17 जून 2021 को ऐसा ही मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने आया और इस मामले में बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे और बहू को बहुत अच्छे से सबक सिखाया। तो आइए इस केस को हम डिटेल में जानते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, इस केस में जो पेटिशनर है वो 77 साल का एक बुजुर्ग है जो अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ काफ़ी समय से कलकत्ता के बंकुरा जिले में रहता है और वो हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन आर्टिकल 226 के अंतर्गत लेकर आता है और उसमें हाई कोर्ट से प्रेयर करता है कि उसके बेटे और बहू को घर से निकाला जाए क्योंकि अब वो उनके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है और वो उनके साथ आगे नहीं रहना चाहता। उसको उनके साथ रहने में सेफ महसूस नहीं होता है क्योंकि वह घर उसका खुद का है और उसका बेटा और बहू उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे में उसके बेटे और बहू को उस घर से निकाला जाए ताकि वह शांतिपूर्वक उस घर में रह पाए। इस केस में जब स्टेट से जवाब मांगा जाता है तो स्टेट से जवाब आता है कि पुलिस थाना सदर बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्ग की कंप्लेंट पे ऑलरेडी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और स्टेट आने वाले समय में भी जिस भी तरीके से होगा इस बुजुर्ग दंपत्ति को मदद करने के लिए तैयार है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के बाद ये माना कि यह पर्सन जो एक सीनियर सिटीजन है इसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपने घर में शांतिपूर्वक रहने का पूरा हक है और ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंकुरा डिस्ट्रिक्ट सदर पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दी कि इमीडिएटली इस पर्सन के बहू और बेटी को इस प्रॉपर्टी में से निकाला जाए और साथ ही यह भी इंश्योर किया जाए कि वो दोबारा इस प्रॉपर्टी में री एंटर ना करें और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर के बाहर एक पुलिस ऑफिशियल को तैनात किया जाए और इस केस को दोबारा 23 जून को लिस्ट करा जाएगा। उसमें पुलिस ऑफिशर्स इस केस के अंदर दी गई डायरेक्शंस को एग्जीक्यूट करें और हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट दाखिल करें। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट की इस डायरेक्शन के बाद बंकुरा डिस्ट्रिक्ट सदर पुलिस स्टेशन ने इमीडिएटली एक्ट किया और इस बुजुर्ग दंपत्ति को उस प्रॉपर्टी में रिस्टोर कराया और साथ ही उनके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिशियल को तैनात किया और इस सारी प्रोसीडिंग की रिपोर्ट को हाई कोर्ट के अंदर 23 जून 2021 को सबमिट किया। फ्रेंड्स, ये केस उन लोगों के लिए एक लेसन है जो अपने ही बुजुर्ग माँ बाप को उनके ही घर से बाहर निकाल देते हैं। और कई बार तो दोस्तों ऐसा भी देखने में आया है कि बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर प्रेशर बना करके बच्चे उनकी प्रॉपर्टी को पहले अपने नाम कराते हैं और बाद में उनको उसी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने आसपास भी कहीं ऐसा होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए और ऐसे बुजुर्ग माँ बाप को उनके राइट्स के बारे में जरूर बताइए। इस बुजुर्ग दंपति ने जिस तरीके से अपने बहू और बेटे के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके उनको सबक सिखाया, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। इन दोनों ऑर्डर्स का कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा जो पास किए गए, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास भी कोई पर्सन अपने बुजुर्ग माँ बाप को परेशान कर रहा है या फिर किसी बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बच्चों को सबक सिखाया है तो उनकी स्टोरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।